वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह को शेतद फरमाए, हर बीमारियों से बचाए, आमीन शुम्मा में। तो मैंने काफ़ी दिनों में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, ये कई दिनों का व्लॉग है और मैंने कई दिनों का व्लॉग शूट कर रखा था और मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं था और मैं वैसे वीडियो वो वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो और अपलोड करने के लिए मुझे टाइम नहीं था और वॉइस ओवर करने के लिए भी मुझे टाइम नहीं था। तो अब रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, तो ये उस दिन के कुछ व्लॉग्स हैं जिनको मैं डाल रही हूँ और कुछ सफाइयाँ वगैरह हैं इस व्लॉग में, जैसे भी तैयारी की गई है रमज़ान की। और मैं इस वक्त ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे टाइम आज मैंने निकाला है और मैं अभी रात के ही यहाँ पे ऊपर छत पर, जो मेरे ऊपर है कमरे के छत है ना, तो वहीं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एक हस्बैंड को देख रही हूँ कि वो आने वाला है या नहीं है, तो मैं वॉइस ओवर कर कर अपलोड कर लूँ वीडियो। तो मैं यहाँ पर, ये मेरा ब्लॉग था तो सुबह का था, मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, तो सुमायरा को मैं साथ में ही रखती हूँ जहाँ भी होती है ना, तो सुमायरा मेरे साथ में ही होती है और खिलाने के लिए कोई भी नहीं होता है, तो बस इसको मैं उस पर बिठा देती हूँ चेयर वगैरह पर। यहाँ पर पूपी और मेरी नंद है, तो यहाँ पर वो मखेना वगैरह भुना हुआ है इन्होंने, तो ये यहाँ पर अपने लिए मेथी का जमावड़ा जमा रही थी और मैं अपने काम में बिजी थी। जो कुछ काम थे छोटे मोटे में उनको भी कर रही थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीसना और वो करना, तो मैं उनके लिए ही काम भी कर रही थी, लग गई थी। और सारे इतने सारे बर्तन होते हैं, जब कोई कढ़ाई वगैरह चलती है ना हमारे घर में, जब बहुत ही ज़्यादा बर्तन वगैरह होते हैं, तो उनको मैं धुलकर ही यहाँ पर अपने काम में लगी हुई हूँ। और मैं यहाँ पर बना रही थी मीट, तो मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था ये वो टमाटो सॉस प्याज वगैरह मिक्सी में पीस लिया था और मैं सलोटे पे मसाला पीसा था, तो मैंने इसमें डाला। और इसको मैं अब ये सोच रही कि ये जल्दी से वैसे फ्राई हो जाए, मुझे काम इतना ज़्यादा होता है कि भाग दौड़ लगी होती है ना, और बस मैं इसमें पानी डाल लेती हूँ। ये भून चुका है मेरा मसाला, तो इसमें पानी डाल लेती हूँ, इतने हिसाब से डालती हूँ कि इसमें ये गल जाएगा। और ये कुछ हम पतले ज़्यादा खाते हैं, तो शाम हो चुकी थी, तो शाम के बाद का है ये व्लॉग। तो उस दिन ठंड थी, तो ना तब कुछ ठंड थी, तो वहाँ पर हम हीटर वगैरह लगा लेते हैं रात के टाइम में, ठंड में तो कुछ कमरे में गर्माई वगैरह हो जाए। तो मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी थी और सुमायरा सो रही है यहाँ पे, तो और सारा और सुमायरा को मैंने सुला दिया है, तो जब मैं इनको सुला कर जब उसके बाद में नमाज़ पढ़ती हूँ, तो उससे पहले के काम भी मुझे बहुत होते हैं, पानी वगैरह भरना सबके लिए, रोटी वगैरह देना और चाय वगैरह सब, इससे सबसे निपट कर फिर सुमायरा को दूध वगैरह पिला कर दवाई भी देनी होती है, बच्चों को बहुत सारे काम होते हैं, डायपर चेंज करने होते हैं, तो सब बस ये काम कर कर फिर इनको मैं सिला कर जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो कभी कभी मुझे भी आलस आ जाता है और मैं नमाज़ छोड़ भी देती हूँ, मुझे भी नींद आ जाती है सुलाते सुलाते। तो यहाँ पे मैं और सारा यहाँ पर ऊपर छत पर दौड़ रहे थे, उस वक्त का सीन है, क्योंकि सारा कहने लगी कि मुझे डर लगता है पटाखों से, अम्मी कैसे होते हैं मुझे दिखाओ ना, तो मैं इसको बाहर लेकर आई हूँ और वो मेरी गोद में ही है, तो मैं शूट कर रही थी और वो डर रही थी इसकी आवाज़ से, और उसे अच्छा भी लग रहा था देखने में और डर भी रही थी। और तो फिर सुबह का दिन है ये, सुबह सबके सफाई वगैरह होती है ना, तो सुबह सुबह झाड़ू वगैरह लगती है, तो मेरा भाई रोटी बनाने के बाद कब लोग, तो मैं सारे घर को साफ कर झाड़ रही हूँ और चूल्हे वगैरह सबको मुझे पोतना है, तो मैं सबकी राख वगैरह उठाकर और सारे घर को एक बार झाड़ कर तो कुछ पोछा लगाऊंगी। तो मैं सबको यहाँ पे सूट भी कर रही हूँ अपने आप हाथ में लेकर, तो यहाँ पे कोई नहीं था, तो मैं अपने आप ही ब्लॉग बना रही हूँ और सारे इसको झाड़ कर सबको भर कर और फिर मैं पोछा लगाऊँगी। और फिर गैस वगैरह भी साफ़ करना है, मुझे बहुत सारे काम है, और फिर चूल्हे वगैरह को भी मैं पोत देती हूँ, तो उसके लिए मैं मिट्टी वगैरह भिगो रखी है मैंने, होते हैं पोछा वगैरह हम दो दिन में लगा लेते हैं, तो हमारा ये ओपन होता है ना, तो ये बरामदा बाहर, तो
तो इसमें मिट्टी वगैरह आ जाती है आसपास के खेतों से या आंधी होती है थोड़ी सी वगैरह। हमारे इसमें साइड में नीम है तो नीम के पत्ते वगैरह सब इस आ जाते हैं। और अब पतझड़ का मौसम है ना तो पत्ते इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा झाड़ते झाड़ते हम थक जाते हैं। और फिर मैं इनको झाड़ू लगा कर पोछ लगा कर यहाँ पर मैंने पहले चूल्हे को पोता है और इसके जो कूड़ा करकट राख वगैरह सबको उठा लेती हूँ और मैं चूल्हे वगैरह सबको बहुत कर फिर मैं पोछा लगाऊंगी। मेरे दो चूल्हे हैं और एक अंगीठी है जो हीटर के आसपास बनाई हूँ सबको पोत कर। और मैंने यहाँ पे ये गैस को ये गंदा हुआ है तो इसको सबके बर्तनों को हटाकर मैं इसको साफ करूँगी। और मैंने जो अपने रसोई में ये वॉलपेपर चिपकाया हुआ था नहीं कुछ हटा हुआ था है और कुछ चिपका हुआ तो अच्छा नहीं, ये वॉलपेपर मंगाया भी था और उसको मैं लगाने के लिए वक्त नहीं था। ये हट जाए तो एकदम से साफ़ हो जाए तो तब मैं इसको लगाऊंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है कहीं से हटा हुआ है कहीं से नहीं। तो बस मैं इसको अब साफ़ कर लेती हूँ। और फिर ये था मेरा रात का व्लॉग। तो जी मैं यहाँ पे सबके लिए एकदम से सब्जियाँ डाल रही हूँ तो मुझे सबके लिए रोटियाँ देनी है। तो पुप्पी मेरे देवर जो भी हैं तो सब वहीं पे बैठे हुए थे अंदर रूम में तो मैं उनके लिए सबके लिए यहाँ पर रोटियाँ तैयार कर रही हूँ। तो मुझे सबके लिए हाथ में लेकर ही यहाँ पे जाना तो और कैमरा भी मेरे हाथ में ही है तो मैं शूट कैसे करूँगी। मुझे ये भी लगा होता है कि मैं शूट उनके सामने कैसे कर पाऊँगी। और यहीं पर सब बैठे हुए हैं तो बस मैं जाते जाते ही शूट कर पाई हूँ। मोबाइल में लगे हुए थे और पुप्पी को पता ही है कि ये वैसे वैसे बनाती रहती है, उनको ये मालूम नहीं था कि ये डालती भी है वो लोग बनाती है, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे ये था रात का टाइम तो मेरा यहाँ पे दूध ओट रहा था यहाँ पे हीटर पर तो इसको मैं जमा कर फिर मैं अपने ऊपर जाऊँगी। और सुमायरा यहाँ पर ही मैंने चला दिया था क्योंकि मैं भी काम से फारिग नहीं हुई नहीं था वो मैं ऊपर तभी जाऊंगी जब सब काम से फारिग हो जाऊंगी तो सुमायरा को भी साथ में ही ले जाती हूँ। तो ये था मेरा तीसरे दिन का व्लॉग जो सुबह का। तो यहाँ पे मैं पनीर गरम कर रही हूँ जो कि हमारे रात में ना लेट ही चाची के मतलब कि गांव से शादी में से वो आया था पनीर मटन वगैरह जो भी आए थे तो वहाँ से खाना आया था तो मैं सुबह यहाँ पर उसे को गरम कर कर दे रही हूँ सबके लिए। तो सबने खाना खा लिया है और यहाँ पे सारा ढेर सारे बर्तन हैं सबको मैं धोने के लिए यहाँ पे इकट्ठे पटका हुआ है। तो सुमायरा यहाँ पे इसमें पालने वगैरह में झूलती रहती है और डोलती रहती है, इसको मैं चारपाई से भी बांध देती हूँ क्योंकि डर होता है कि ये फिर सीढ़ियों में फिसल ना जाए। और फिर मैं यहाँ पर अपने बर्तनों को धो लेती हूँ, इतने सारे बर्तन हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा सबको एकदम से सरफ लगाकर। और फिर मैं एक बाल्टी वगैरह किसी बड़े बर्तन में पानी लेकर इसको धो लूँगी। और सुमायरा मेरे हाथ पाँव को पकड़ने लगी है और रोने लगी है। और कभी मैं जैसे शूट कर रही हूँ ना तो इस तरह देख रही है कि ये क्या है उसको जैसे दिख रहा है। तो और वैसे वो यहाँ पे कभी मेरे पास आ जाती है बर्तनों में बस सीधे सीधे गाड़ी को अपनी घुमा देती है। और फिर इसके बाद में ये मेरा सब काम से फारिग होकर फिर से मेरा यहाँ पे वही वो गैस का सफाई। तो सफाई तो मैं रोज़ाना दोनों टाइम करती हूँ, सुबह भी करती हूँ और शाम को भी करती हूँ। और गैस इतने तक गंदा होता है ना तो अच्छा लगता नहीं, उस पर कुछ काम करने को मन ही नहीं करता है। और गैस बहुत जल्दी गंदा भी दिखता है क्योंकि उस पर जब हम फ्राई करते हैं ना किसी चीज़ को तो ऑयल वगैरह कुछ भी चीज़ें होती हैं स्लेब पर चिकना चिकना भद्दा लगता है। और मैं वैसे इसमें अपनी कढ़ाई में ही बर्तन धोती हूँ तो मैं इसी में सर्फ घोल रखी है मैंने और मैं सर्फ से ही यूज़ करती हूँ। तो सर्फ से ही मैं इसको साफ़ करती हूँ, पहले सर्फ से इसको रगड़ लेती हूँ और फिर इसको साफ़ पानी से धो लेती हूँ तो उससे ही साफ़ हो जाता है। तो मैंने अभी ये साफ़ कर दिया है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मायरा फिर से रोने लगी है, इसको भूख लगी है तो बार बार मैं रोने लगती है। और फिर इसको मैं काम को छोड़कर इसके लिए दूध पिलाती हूँ या इसको किसी चीज़ में खेलने लगाती हूँ। तो वैसे मैं इसके लिए दूध पिलाने के लिए जा रही हूँ कहीं छत पर छाया वगैरह हो जहाँ खुले में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सफाई तो सब कमरे की सबकी कर ली है और पोछा वगैरह लगा लिया। फिर बच्चे इतने होते हैं कि हमारे घर में ना तो सब बच्चे इतनी जल्दी गंदे कर देते हैं कि बहुत ही जल्दी।
यहाँ पे चारपाई हुई है और यहाँ नीम की छांव भी है। और मैं यहाँ पे इसमें सोचा कि मैं इस मायरा के लिए दूध पिला दूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर इसके बाद में फिर से मैं लग गई सफाई में। तो नीचे की जो ये रसोई की सफाई ये मुझे करनी थी, और यहाँ पर छोटी मोटी लकड़ियाँ हैं इनको एक साइड करना था, और यहाँ पे और लकड़ियों का गड्ढा लाना है, और कोर वगैरह जो उपले वगैरह होते हैं सबको रमज़ान के लिए यहाँ पे लगाना है, तो ताकि रमज़ान में एक इतनी शक्ति होती है, कमज़ोरी भी आ जाती है, काम की बहुत जल्दी लगी होती है, तो वक्त भी बहुत कम होता है, तो धूप वगैरह में ऐसा काम नहीं होते हैं, तो इसलिए हम पहले ही लकड़ियों को तोड़ कर 5-6 गड्ढे रख लेते हैं, और फिर धीरे धीरे ऊपर लेकर आते हैं। जब ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर जब एक एक करके धीरे धीरे ले आते हैं। एक एक मंथ के लिए हमने इंतज़ाम कर लिया था। और मेरी वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक शेयर।